राजधानी रांची के रिम्स परिसर से दवाई दोस्त के हटाए जाने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। पहले प्रेमसन सिंह बारोलिया ट्रस्ट का विरोध, फिर झारखंड के कुछ बड़े नेताओं के कड़े बयान आने के बाद रिम्स निदेशक ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया। निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने कहा कि वो दवाई दोस्त के ना तो समर्थन में है और ना ही विरोध में। उन्होंने बताया कि साल 2016 में 28 जून को ही दवाई दोस्त की कार्यावधि समाप्त हो गई थी, उसी वक्त उसे हटा देना चाहिए था। The matter was brought to the notice of governing body members who unanimously suggested that after expiry of the agreement there must be provision of awarding the shop through open tender. The bidder providing the maximum discount on MRP must be awarded the contract. ये 21 नवंबर 2015 रिम्स की शासी परिषद की 41वीं बैठक की प्रोसीडिंग्स में लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि ये किसी आप कह सकते हैं कि बायस के अगेंस्ट किया गया है। यह चूंकि प्रक्रिया है जो लीगल है, जो हाईकोर्ट मॉनिटर कर रहा है, उसमें जो उचित लीगली जो साउंड होता है वही चीज किया गया। आशा गुप्ता जी के मृत्यु के बाद रिम्स में कितने ब्लैक फंगस के मरीजों की सर्जरी हुई? आई जस्ट वांट द नंबर। नहीं, आई विल हैव टू चेक दैट, आई कैन नॉट टेल यू ऑफ हैंड, क्योंकि ये सिर्फ दवाई दोस्त के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसका डाटा जो है रिम्स डिप्टी कमिश्नर और जो बीडर होगा या वेंडर होगा उसके बीच ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट होगा। ये भी मत समझिए कि हम कर रहे हैं तो उसमें डिप्टी कमिश्नर का रोल नहीं है। डिप्टी कमिश्नर लिख करके दिए कि ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट में हम भी साइन करेंगे, क्योंकि एक तरह से आप समझ सकते हैं कि यह फैसिलिटी सरकार ने मरीजों के लिए क्रिएट किया है जिसमें सभी को मिलजुल करके काम करना है। वो चाहे वेंडर हो या डिप्टी कमिश्नर हो या रिम्स के अथॉरिटीज हो, सभी को मिलजुल करके और काम करना है ताकि मरीजों की भलाई। सर, जैसा कि आपने कहा कि मार्च में आपके पास रिमाइंडर एक आया था और कोविड का टाइम हो गया इसलिए प्रोसेस नहीं हो पाया, अभी भी सर इतना शॉर्ट नोटिस दवाई दोस्त को दी गई है, एक महीने के भीतर खाली करना है, और एक महीने में लगता है क्या प्रोसेस पूरा हो जाएगा, क्योंकि अभी थर्ड वेव की भी आशंका जताई जा रही है और कहीं दवाई दोस्त भी हट जाए, मरीजों को फिर नुकसान ना हो, इसके लिए क्या किया जा रहा है सर? क्या बताया तो कि हम लोगों ने टाइमलाइन जो टेंडर में आप देख पढ़ेंगे, अगर सर टाइमलाइन तो हम लोग बहुत रिम्स के टेंडर का देख रहे हैं सर तो पीरियड होता है, फिर 2-3 साल कैसे की जाता है वो भी हम लोग देख रहे हैं। नहीं तो हम लोग इस उस प्रथा को जो है धीरे धीरे चेंज करने की कोशिश में है। ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और हमने अभी तत्काल के लिए आपको बताया ना कि जो सदर हॉस्पिटल में सप्लाई कर रहा है उसी को ऑर्डर दे दिया है कि सप्लाई करना शुरू कर दो, जिस तरह से आप उसी टर्म कंडीशंस में करो जो सदर हॉस्पिटल में कर रहे हो। सर ये व्यवस्था कब तक चालू हो जाएगी सप्लाई वाली? क्योंकि सर अगर एक महीने में दवाई दोस्त को पैकअप करना है यहाँ से तो मतलब इट विल टेक सम टाइम ना, इट इज अ प्रोसेस, दे हैव टू वाइंड अप, दे हैव टू हैंड ओवर यू द प्लेस, राइट? तो मतलब ये व्यवस्था कब तक हो जाएगी, जो दूसरा अल्टरनेटिव व्यवस्था जो आप बता रहे हैं? अल्टरनेटिव व्यवस्था एक महीने के अंदर हो जाने की उम्मीद से काम चल रही है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।